ट्रैवल विद एक्सवाईजेड चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक दिन में आप किस तरह से कवर कर सकती हो द्वारकादेश, बेट द्वारिका, गोपी तालाब और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो आइए बताते हैं। आज हम खड़े हैं द्वारकादेश में और हमारा दर्शन हो गया। स्टे के लिए आप अवध भवन बुक कर सकते हो जो कि बिल्कुल मंदिर के पास है, आप चलकर जा सकते हो। और फैमिली रूम्स भी है, कपल रूम्स भी है, एसी नॉन एसी बोथ अवेलेबल। तो यहाँ पे इस तरह से है। तो दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेगी, जब भी आप द्वारकादेश टेम्पल दर्शन करने के लिए जाए तो सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आप मंदिर ना जाए, क्योंकि उस टाइम मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और मोबाइल ले जाना मना है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, आपके लगेज फोन सारे जमा है, सेफ है, सिक्योर है, बिल्कुल फ्री में जमा करते हैं आपके लगेज। मलाई वाली छाछ है यहाँ, मलाई वाला है सही, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ बांसुरियाँ वगैरह लगे हैं सारी जगह। ये है छोटा सा प्यारा सा मार्केट द्वारकादेश का, और ये है मंदिर। अगर आप सीनियर सिटीजन हो या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको वीआईपी एंट्री फ्री में मिल सकती है। वैसे वीआईपी एंट्री लेने की जरूरत नहीं होती, इतनी भीड़ नहीं होती। तो बिल्कुल पास में ही, द्वारकादेश टेंपल के पास में ही आपको देखने को मिलेगा एक प्यारा सा बीच, और यहाँ करते हैं कैमल राइड बीच के पास में, बहुत ही सुनहरा दृश्य। तो हमने ली है स्कूटी रेंट पर, जिसका प्राइस है पर डे 500 रुपीज़। और द्वारकादेश में आपको ये स्कूटी मिल जाती है बिल्कुल मंदिर के पास में ही, काउंटर्स लगे होते हैं। तो द्वारकादेश से बेट द्वारिका का रास्ता है टोटल 34 किलोमीटर, जो कि स्कूटी में लगेगा 51 मिनट्स। पहले बेट द्वारिका जाने के लिए ओखा से नौका सेवा दी जाती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है सारा सिस्टम। अब द्वारकादेश से एक ब्रिज आती है जिसके ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, और वो ब्रिज 2 किलोमीटर की है और बहुत शॉर्टकट में आप बेट द्वारिका पहुंच सकते हैं। और उस ब्रिज को बनाने में टोटल 400 करोड़ रुपए लगे हैं, और उसका इनॉग्रेशन हुआ है फरवरी 2024 हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। बेट द्वारिका, जैसे कि आप सभी को पता है कि वो एक आइलैंड है, एक द्वीप है, और बहुत ही खूबसूरत ब्लू वाटर से घिरा हुआ, ब्लू समुंदर से घिरा हुआ वो आइलैंड है बेट द्वारिका। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बेट द्वारिका के बारे में। कहा जाते हैं बेट द्वारिका में हमारे भगवान श्री कृष्णा जी रहते थे, वहाँ पे उनका रेजिडेंस एरिया था, उनका घर था, और द्वारकादेश में वो राज करते थे, रूल करते थे, किंगडम था उनका बेट द्वारिका, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्णा जी ने सुदामा जी को गिफ्ट दिया था। तो सुदामा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुदामा श्री कृष्णा जी के दोस्त हैं। तो आइए एक बहुत पुरानी, एक स्वीट सी, एक रियल स्टोरी हम आपको सुनाते हैं कि सुदामा जी श्री कृष्ण जी के घर गए थे 3 मुट्ठी चावल लेके, उनसे मदद मांगने के लिए कि उनका परिवार मुसीबत में है। फिर वहाँ जाके जब श्री कृष्णा जी अपने मित्र से मिले तो श्री कृष्णा जी ने सुदामा जी के बहुत आदर सत्कार किया, उनको बैठाया, उनके पांव धुलाए, उनको खिलाया पिलाया। तो इसी चक्कर में सुदामा जी ने कृष्णा जी से मदद लेने से उनको शर्म आ गई कि मेरे मित्र ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं इनसे मदद कैसे मांगूँ। तो वो कृष्णा जी के लिए 3 मुट्ठी चावल लेके आए और वो कृष्णा जी को दे दिए। और जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो देखे उनको सोने का महल, नौकर चाकर, ठाट बाट, खाना पीना, मतलब हर एक चीज़ की उनकी पूर्ति कर दी श्री कृष्णा जी ने। मतलब कुछ भी सुदामा जी ने मांगा नहीं, लेकिन कृष्णा जी ने उन्हें सब दे दिया। तो कृष्ण जी और सुदामा की जो दोस्ती है, वैसे आज के टाइम में वैसी दोस्ती कोई कर नहीं सकता। और राधा और कृष्ण जी का जो प्यार प्रेम था, वैसे ही प्रेम आज के दुनिया के लोग कर नहीं सकते। हर हर महादेव। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा एक धाम और एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। और रास्ते में हमें देखने को मिला टाटा केमिकल्स लिमिटेड, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री लगी हुई थी जो कि यहाँ पर है रास्ते के बीच में, और बहुत ही खूबसूरत अब हम प्यारी सी सुदर्शन सेतु ब्रिज देखने वाले हैं। बस अब हम एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हो दूर में ये ब्रिज किस तरह से दिखता है। रोड बिल्कुल स्मूथ थी, एकदम न्यू क्लीन, एक कागज़ भी इधर उधर फेंका हुआ नहीं था, और बहुत ही खूबसूरत रोड लगी हमें। जैसे पहले नाव में जाया करते थे, लेकिन अब रोड में जाने का भी मज़ा अपना अलग ही है, बहुत फास्ट चलता है यहाँ पर गाड़ी।
और यहाँ पे इस साइड में भी आप वॉकिंग फुटपाथ बनाया हुआ है, तो पैदल भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, बट पैदल तो कोई नहीं जाता। तो यहाँ पे खड़े होके आप इस समुंदर का नज़ारा देख सकते हो। एंड राइट नाउ आई एम इन सुदर्शन सेतु ब्रिज। तो आते हुए रोक के इसकी वीडियोस और अच्छे से बनाएंगे। और ब्रिज बहुत ही प्यारी थी, इतनी प्यारी ब्रिज, जैसे कि दिल्ली में वो सिग्नेचर ब्रिज नहीं है, उसी तरह से ये ब्रिज बनाया गया एकदम सिग्नेचर ब्रिज की तरह। वहाँ सो ब्यूटीफुल, मतलब इंडिया इतना डेवलप हो रहा है, हमारे फॉरेन कंट्रीज़ को एकदम टक्कर देता है आज हमारे इंडिया की जो प्रोग्रेस में चल रहा है। हर एक चीज़ पे प्रोग्रेस है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रो हो, या टूरिज्म की जो जगह होती है उनको और ज़्यादा डेवलप करना ताकि इकोनॉमिक अच्छी हो। तो हर तरह से मेरे ख्याल से और सच में हमारे इंडिया बहुत ही प्रोग्रेस में हो रही है, और आने वाले 2050 में हमारी इंडिया फॉरेन कंट्री से भी आगे जाएगी, क्योंकि हमारे साथ है श्री श्री कृष्णा और जय श्री राम। तो हमारा इंडिया तो हमेशा आगे बढ़ेगा ही। तो देखिए क्या जन्नत है, क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे रास्ते में हम जो नज़ारा देखने को मिला, मतलब बहुत ही अच्छा है। आप गाड़ी रोक के यहाँ पे आप फोटो सेक्शंस, वीडियोस वगैरह सब कर सकते हो। जैसे रामेश्वरम में गाड़ी रोकने नहीं देते जब वो नदी आती है, तो बस अब पहुँच गए हैं हम बेट द्वारिका। ये देखिए नज़ारा, सुदर्शन सेतु ब्रिज। तो ये ब्रिज अभी नई बनी है रिसेंटली, पहले ये ब्रिज नहीं थी। जब भी बेट द्वारिका जाना होता था तो हमें नौका में जाना होता था, जो कि राइड होती थी पौन घंटे की, वो एक अलग सा एडवेंचर था। आप देख सकते हो वैसा करके सिस्टम था। अभी ये करीबन एक दो साल से ये ब्रिज बना है और ये फैसिलिटी अच्छी लगी, बहुत जल्दी दर्शन हो जाता है और काफ़ी टाइम मंदिर खुला रहता है इसकी वजह से, नहीं तो पहले 5 बजे मंदिर बंद हो जाता था, अब 7-8 बजे तक खुला रहता है। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और बेट द्वारिका का ज़्यादा अंदर मंदिर से हम वीडियो नहीं बना पाए, तो चलिए रास्ते का व्यू दिखाते हैं। रास्ता का जो व्यू है वो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, और हवाएं इतनी तेज़ चलती है कि पूछो मत। मतलब बहुत ही प्लीजेंट मौसम था और मई का महीना था, बट गर्मी नहीं लग रही थी, स्कूटी में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी जो स्कूटी है वो कंटिन्यू चल रही थी तो स्किन बर्न नहीं हो रही थी इतनी। और जो रामेश्वरम का जो पानी था वो बिल्कुल ब्लूइश था, बट ये जो आइलैंड का वाटर है थोड़ा ग्रीनिश टाइप का था। ये देखो प्यारा सा नज़ारा विद ब्लू स्काई एंड ग्रीन वाटर,
प्यारे से स्वाम देखो, बत्तख वगैरह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हम रोक के अपनी स्कूटी, रोक के अपनी वीडियोग्राफी वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बना सकते हैं। ये है प्यारी सी हमारी गुजरात से ली हुई स्कूटी, जिसके प्राइस लगे थे 500 रुपये लग गए थे, बट बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया स्कूटी राइड करके। पीछे जो आपको तालाब दिख रहा है वो है गोपी तालाब, जो कि आप बेट द्वारिका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच बीच में आता है रास्ते में। तो जब भी आप जाओ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तो गोपी तालाब जरूर आइए। छोटी सी तालाब है बट बहुत प्यारी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी, बहुत सारी। तो इस तालाब से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से वो चंदन बनाते हैं, जिस चंदन का नाम है गोपी चंदन। तो यहाँ पे ऐसे दाने लेके आते हैं जो मछली को खिलाने के लिए। तो बहुत सारी मछलियाँ होती है इस तालाब में। दोस्तों हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। और आज हम इसी जगह खड़े हैं और ये ज्योतिर्लिंग बेट द्वारिका से टोटल 30 किलोमीटर की दूरी में है। तो दोस्तों जब भी आप द्वारकादेश घूमने आए, द्वारकादेश एक धाम है भारत का, तो जब भी आप द्वारकादेश कर आए दर्शन करने के लिए तो बेट द्वारिका करना ज़रूरी होता है, तभी जाके आपका एक धाम कम्प्लीट होता है। तो इसके साथ साथ में एकदम करीब में ही है आपको ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं, आइए आपके साथ। तो अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के बीच में खड़े हैं। ये है दृश्य, 1100 काफी भीड़ है अंदर भी। ये एग्जिट द्वार है, यहाँ से एग्जिट होते हैं, एंट्री कहीं और से होते हैं, यहाँ से एग्जिट होते हैं, एग्जिट यहीं से होते हैं। तो दोस्तों अब सनसेट होने वाला है, उससे पहले हमें पहुंचना है शिवराजपुर बीच, जो कि बहुत ही प्यारी बीच है, और हमारी राइड स्टार्ट हो गई है। तो एक ही दिन में हमने कवर कर लिया द्वारकादेश टेंपल, बेट द्वारिका, गोकुल तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिवराजपुर बीच। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।